स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू ओरा मैथ्स क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर बेस्ट विशेस। एंड जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, अब लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, तो अब यूँ नहीं लगता कि मुझे सिर्फ चैनल ही चलाना है, अब मुझे 4000 बच्चों को भी पढ़ाना है। यानी कि जैसे जैसे डेली डेली इंक्रीज़ करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए मैं करती हूँ कि कोशिश करूँगी कि आपको और भी ज़्यादा जल्दी सिलेबस आपको कंप्लीट करवा सकूँ और ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, और रही बात पीडीएफ की, जो कमेंट कर रहे हैं बच्चे कि पूरी बुक की आप पीडीएफ बना के डालिए, तो शायद कंप्लीट बुक की तो पॉसिबल नहीं होगा, बट जैसे मैं एक्सरसाइज करवा देती हूँ आपको, तो एग्जांपल की पीडीएफ मैं डाल दूँगी। जिस बच्चे के पास भी बुक नहीं है तो आपको पूरा आपको जो है मैटर मिल जाएगा, जैसे वीडियो में मिल जाएगा कंप्लीट एक्सरसाइज एंड पीडीएफ में आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और जो बेसिक होता है बुक में वो भी आपको वहाँ पे एग्जांपल के साथ ही मैं पीडीएफ बना के डाल दूँगी। टेलीग्राम पर मिलेगी आपको ये, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जिन बच्चों ने नहीं कर रखा है, और वहाँ पर मैं कंप्लीट पीडीएफ जो प्रोवाइड करवा दूँगी आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। आज हम कैलकुलस की करेंगे एक्सरसाइज 1.2, एंड सबसे पहले डेफिनेशन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन देखिए यहाँ पे। ए फंक्शन एफ डिफाइंड इन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए, कोई भी फंक्शन ए के नेबरहुड में डिफाइन कर रहा है, डिफाइन है, दैट मीन देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कंटिन्यूस के लिए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, जिस भी पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा। तो ये डेफिनेशन होती है कंटिन्यूस की। दैट मीन्स यू कैन राइट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एल के इक्वल आएगा, सॉरी एफ ऑफ ए के। ठीक है, एल कहाँ से माइंड में आ गया, देखिए क्योंकि अभी मैं सोच रही थी कि आपको कंपैरिजन करके दिखाते हैं लिमिट में क्या होता है। अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, एल आता है, अगर यहाँ पर एल कोई नंबर आता है तो ये एल हमारी लिमिट होती है। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये हमारी लिमिट की डेफिनेशन होती है। अगर हम यहाँ पे एल लेते हैं देन एक्स को ए टेंड करवाएंगे तो यहाँ पे लिमिट आएगी एल। एंड कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि जैसे आप फंक्शन में ए पुट करते हैं एक्स के प्लेस पे, तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए एफ ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, देन एफ फंक्शन is continuous at x equal to a। ठीक है, ये होता है continuous function। अब यहाँ पे देखिए कि हमने कहा कि limit x tends to a f of x equal to f of a होना चाहिए। limit कब exist करती है, जब यहाँ पे limit दे रखा है हमें x tends to a f of x, ये exist कब करेगी, exist if x tends to a minus f of x, यहाँ that means left hand limit, ये क्या हो जाती है left hand limit equal to हो जाए limit x tends to a plus f of x। ठीक है, ये तो है हमारे पास left hand limit equal to right hand limit, ये किसके लिए होता है, जब limit exist करती है। और हमने कहा कि continuous कब होगा, जब ये लिमिट इक्वल आ जाएगी एफ ऑफ ए के। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन आ गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये कंप्लीट कंडीशंस होल्ड करती हैं देन हम कहेंगे कि फंक्शन एफ इज अ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। ये हो गया बाय डेफिनेशन,
ये हो गया लिमिट की डेफिनेशन से, और लिमिट से ही हमने कन्वर्ट कर दिया लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस में यूज़ करना है जो भी हम एक्सरसाइज अभी करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस कब होता है। डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन, देन डिसकॉन्टीन्यूअस कब बोलेंगे, जो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। और कॉन्टीन्यूअस किस किस कंडीशन में हो सकता है वो देखिए यहाँ पे, कंडीशन ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, कंडीशन ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, यानी कि आपको बताना है कि फंक्शन किस किस कंडीशन में कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन, अगर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, अगर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर फंक्शन दे रखा है 1/x - a और आपको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो यहाँ पे आप a पुट करके देखेंगे, 1/a - a इज़ अ ज़ीरो, यानी 1/0 इज़ अ इन्फिनिटी। तो फंक्शन हमें क्या वैल्यू दे रहा है, इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, किस पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे। दैट मीन्स फंक्शन हमारा एक्स इक्वल टू ए पे यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, लिमिट। हमने क्या कहा था कि कॉन्टीन्यूअस कब होगा, जब इसकी लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाए। और ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, ठीक है। तो सेकंड केस में डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन बनेगा अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि यहाँ पे जो वो एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है, लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। जैसे आप लिमिट निकालें आंसर आ जाए इन्फिनिटी, तो फंक्शन हमारा डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, ओके। थर्ड केस में क्या होता है कि फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर जाए बट एफ ऑफ ए के इक्वल ना आए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाए बट एफ ऑफ ए के इक्वल ना आए, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी में आपको चेक करना होता है कि लिमिट एफ ऑफ ए के इक्वल आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो वो हमारा डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिसकॉन्टीन्यूटी कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। देखिए हम देखते हैं टाइप ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, डिसकॉन्टीन्यूटी कितने टाइप की होती है। फर्स्ट इज रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। क्या होता है रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी में, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए हो, ठीक है। अगर लिमिट हमने अप्लाई की एफ ऑफ एक्स के बट वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आता, देन एफ हैज रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे, ठीक है। सेकेंड इज फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टीन्यूटी। फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टीन्यूटी में होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है, यानी ये लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, बट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएंगी, एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी नहीं आएगी, समझ गए। बट वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा। ऐसे हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए एफ ऑफ ए के, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं मिलेगी आपको। सेकेंड काइंड की देखिए, थर्ड टाइप है सेकेंड काइंड डिसकॉन्टीन्यूटी। इसमें आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी आ सकती है,
ठीक है, दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, एग्जिस्ट ना करने का मतलब या तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए या फिर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी आए, या दोनों की ही वैल्यू जो वो इन्फिनिटी आए, समझ गए. एंड फोर्थ इज मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी. मिक्स्ड में क्या होता है, जैसे आप लिमिट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है. देन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट भी कर जाए और एफ ऑफ ए के इक्वल भी आ जाए, समझ गए. यानी कि एक साइड की है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती बट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एफ ओ फे के इक्वल आ रही है. तो इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी. मतलब मिक्स्ड कैसे हो गया कि इसमें फर्स्ट काइंड भी आ जाता है सेकंड काइंड भी आ जाता है. एग्जिस्ट नहीं करेगी, सेकंड काइंड में है, ओके. और अगर एग्जिस्ट करती है राइट हैंड लिमिट और एफ ओ फे के इक्वल आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट काइंड में होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और एफ ओ फे के इक्वल ना आ जाए. या एक लिमिट आ सकती है ना यहाँ पे कि लिमिट एफ ओफ लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ओ फे के इक्वल आ जाती है बट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती. ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट राइट हैंड लिमिट एफ ओ फे के इक्वल आ जाए बट इन दोनों की वैल्यू लेफ्ट हैंड के इक्वल ना हो, अंडरस्टैंड. तो यहाँ से हमें ये देखना कि एक साइड की लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती और दूसरे साइड की यानी कि राइट हैंड साइड की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाए और एफ ऑफ ए के इक्वल भी आ जाए. दैट मीन्स राइट हैंड साइड पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए. इसका मतलब यही है कि राइट कंटिन्यूटी ऑफ राइट हैंड साइड एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ओफ ए. अगर इक्वल आती है एफ ओफ ए के तो हम ये कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, ठीक है. तो ये होती है टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. ये आपसे क्वेश्चन में पूछी भी जा सकती है कि आप बताइए कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि फंक्शन कंटिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस. अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है, ठीक है. तो इनको आपको अच्छे से समझ लेना है. फंक्शन 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस. यानी कि आपको साइन एक्स कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रूव करना है, ठीक है. तो फर्स्ट एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या गिवन है, साइन एक्स. आपको डेफिनेशन अप्लाई करनी, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे. एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, ये हम कंडीशन लेके चलेंगे. मीन्स मैं यहाँ पे निकालूंगी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है. वैल्यू रखिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पे साइन एक्स और एफ ऑफ ए हम इसी से फाइंड आउट करेंगे. अगर मैं एक्स को ए पुट कर देती हूँ यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स साइन ऑफ ए इक्वल टू. आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए सी डी फॉर्मूला. क्या होता है, साइन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन ए का टू इंटू कॉस एक्स प्लस ए बाय टू इंटू साइन एक्स माइनस ए बाय टू, ठीक है. टू इंटू मॉडल्स अलग अलग ले लेते हैं, एक्स प्लस ए बाय टू इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए बाय टू. नाउ दिस एंगल यानी कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू वन, इसको आप लिखेंगे टू इंटू वन हो जाएगा इंटू साइन एक्स माइनस ए बाय टू. एंड यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि साइन थीटा का मोड लेस देन इक्वल टू होता है इट्स एंगल. यहाँ पे अप्लाई कीजिए
टू इंटू साइन थीटा लेस देन इट्स एंगल, यानी कि x माइनस ए बाय टू, टू से टू कैंसिल, x माइनस ए आ गया। ठीक है, यही आपको लास्ट में लेके आना है, इसको सॉल्व करके लास्ट में हमारे पास x माइनस ए आना चाहिए। नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब हम इसको सॉल्व करके जो आंसर लेके आए हैं x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसको हम डेल्टा पुट कर लेते हैं, दैट मीन्स x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो गया डेफिनेशन। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन x इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये हम कोई भी रियल नंबर लेके चलते हैं और उस पर हमने इसको कंटिन्यूस प्रूव कर दिया है। ओके, ऐसे ही आपको cos x के लिए करना है। cos x के लिए देखिए, ऐसे ही आपको दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंट मेंशन नहीं है कि आप इस पॉइंट पे चेक की जीरो पे चेक कीजिए या वन पे चेक कीजिए। तो यहाँ पे जो हम a लेके चलते हैं, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो साइन x इज अ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, इसलिए हम बोलते हैं साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस होते हैं। एफ ऑफ एक्स दे रखा है cos ऑफ x, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज एनी रियल नंबर, इस पर हम चेक करेंगे। देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखिए यहाँ पे, इसकी वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ x माइनस cos ऑफ ए, यहाँ पे फिर से सिटी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos और cos माइनस cos ए माइनस cos b, ये जाता है साइन में, माइनस टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आगे आपको सेम टू सेम प्रोसीड करना है, ये माइनस मॉडुलस के अंदर ही है, माइनस इंटू टू, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मॉडुलस अलग अलग करेंगे, इसको अब लेस देन इक्वल टू वन पुट करेंगे, इसको लेस देन इक्वल टू थीटा पुट करेंगे, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, बाकी ऐसे आपको इसको प्रोसीड करना है। यहाँ पे देखिए फंक्शन दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, वही लेके चलेंगे हम कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए, एफ ओफ एक्स माइनस एफ ओफ ए साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आप x को a पुट कर देते हैं तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है साइन x प्लस ए इंटू साइन एक्स माइनस ए। तो इसको ओपन करेंगे, साइन x प्लस ए, मॉडुलस बाद में सेपरेट करते हैं, पहले आप फॉर्मूला ओपन कीजिए साइन x माइनस ए। अब आप मॉडुलस सेपरेट कर सकते हो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल ही रहेगा साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, अब इसको हमें रिमूव करना है क्योंकि हमें लास्ट में चाहिए एक्स माइनस ए, इसलिए हम इसको लेस देन इक्वल टू वन पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें लास्ट में एक्स माइनस ए को बचा के रखना है। इसको हम रिमूव करेंगे, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू वन, ये हो जाएगा लेस देन, हमने अप्लाई कर दिया वन रख दिया इसके प्लेस पे, एंड यहाँ से साइन एक्स माइनस ए का मॉडुलस। देन अभी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की थी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ थीटा, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, दिस इज लेस देन इक्वल टू इट्स एंगल मीन्स एक्स माइनस ए का मोड। ठीक है, अब एफ ओफ एक्स वही लेके चलेंगे कि एफ ओफ एक्स माइनस एफ ओफ ए लेस देन एप्सिलॉन है, एफ ओफ एक्स माइनस एफ ओफ ए लेस देन एप्सिलॉन कब, जब जो इसका आंसर आया है, आप यहाँ पे एफ ओफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स भी पुट कर सकते हैं, मीन्स आप यहाँ पे लेके चलेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, इसको हम डेल्टा पुट करेंगे इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन दोनों फुलफिल कंटिन्यूस के, देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। क्वेश्चन सेकेंड दे रखा है, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स है एक्स कॉस वन बाय एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एंड एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू दे रहा है जीरो फंक्शन। ओके, आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है एक्स कॉस ऑफ वन बाय एक्स, एंड इसका क्या मतलब है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन वैल्यू दे रहा है जीरो पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू दे रखी है जीरो।
अंडरस्टैंड। अब हमें डेफिनेशन से प्रूव करना है, तो हम लेके चलेंगे एफ ओफ एक्स माइनस एफ ओफ ज़ीरो। एफ ओफ एक्स की वैल्यू एक्स कॉस ऑफ वन बाई एक्स माइनस एफ ओफ ज़ीरो की वैल्यू अब हम यहाँ से लेंगे, ना कि आप इसमें जीरो पुट करके देखेंगे। अंडरस्टैंड, ये आपको अगर ब्रेक कर या इस तरह से फंक्शन दे रखा होता है तो ये एफ ओफ ज़ीरो की ही वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमें दे रखी है ज़ीरो। दिस इज इक्वल टू एक्स कॉस वन बाई एक्स माइनस जीरो, मीन्स दिस, आप मॉडुलस अलग अलग कीजिए, कॉस ऑफ वन बाई एक्स एंड कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू वन, इसको आप लिखेंगे मोड ऑफ एक्स इंटू वन, यानी कि इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो लेस देन एप्साइलन, कब, जब जिसका आंसर आया है दिस इज लेस देन एप्साइलन, यहाँ पे हम पुट करेंगे एप्साइलन को डेल्टा। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स कॉस ऑफ वन बाय एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो इज ज़ीरो लेस देन एप्साइलन होगा, कब होगा, जब एक्स माइनस ज़ीरो लेस देन डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे आप ये एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे आप एफ ऑफ जीरो भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो ही दे रखी है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ लेस देन एप्सिलॉन, जब एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये जो पॉइंट होता है इसी में फंक्शन हम बताते हैं कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस वन बाय एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स देखिए, ये भी ऐसे ही दे रखा है, एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और एक्स इक्वल जीरो है तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो दे रखी है, यानी यहाँ पे जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स एंड जी ऑफ ज़ीरो इज ज़ीरो, जीरो पे वैल्यू ज़ीरो दे रहा है। दैट मीन्स बाय डेफिनेशन आपको प्रूव करना है, तो आप जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ज़ीरो लेके चलेंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखिए साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स माइनस जी ऑफ जीरो इज ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मॉड अलग कर लेते हैं और साइन वन बाय एक्स का अलग, एंड ये लेस देन होता है वन, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर रह जाएगा। नाउ जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ज़ीरो लेस देन एप्साइलन इफ एक्स स्क्वायर लेस देन एप्साइलन, इसी को सॉल्व करके हमने वैल्यू निकाली है, तो ये लेस देन एप्साइलन कब होगा, जब इसका आंसर लेस देन एप्साइलन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको एक्स लेके आना है, तो मैं अंडर रूट ले लेती हूँ बोथ साइड, इफ मोड ऑफ एक्स लेस देन अंडर रूट एप्साइलन, यहाँ पे हम पुट करेंगे रूट एप्साइलन को डेल्टा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस जीरो लिख सकते हैं लेस देन डेल्टा, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एग्जामाइन फॉर कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन f डिफाइंड एज, फंक्शन f आपके पास इस तरह से दे रखा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर x माइनस x रेज टू पावर n साइन x डिवाइड बाई वन प्लस x रेज टू पावर n, यानी कि यहाँ पे फंक्शन लिमिट की फॉर्म में दे रखा है और हमें कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू वन पे, और x की वैल्यू जीरो से पाई बाय टू के बीच में लाइक कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि हम लिमिट को पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो फंक्शन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज ब्रेक करेंगे हम, हमें वन पे चेक करना है एक्स की वैल्यू लेस देन वन और मिनिमम वैल्यू कितनी है ज़ीरो, एक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है मतलब कि इसकी लोअर लिमिट जो है ज़ीरो है, अब हमने वन पे चेक करना है तो हम इसको वन पे ब्रेक करेंगे। ओके, और आप लेके चलेंगे x इक्वल टू वन पे, एंड सेकंड इज अगर x इक्वल का हमने केस यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि जब x हमारा ग्रेटर देन वन होगा और लेस देन इक्वल टू होगा पाई बाय टू, क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पे x की दे रखी है पाई बाय टू। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया क्योंकि हमें यहाँ पे वन पे चेक करना है, ये फंक्शन हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये राइट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, अगर x की वैल्यू लेस देन वन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ कि मेरे पास x की वैल्यू है वन बाय टू, x लेस देन वन पे, और हमें क्या करना है, n को इन्फिनिटी पुट करना है
यानी कि लिमिट अप्लाई करनी है इन्फिनिटी इन दिस फंक्शन। तो यहाँ पे मुझे x रेज टू पावर n की वैल्यू चाहिए, क्योंकि n सिर्फ इसी के पास है, x रेज टू पावर n, n की टर्म सिर्फ यही है। मुझे यहाँ से सॉल्व करना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n, बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ और x की वैल्यू मेरी लेस देन वन है, फॉर एग्जाम्पल मैं x ले लेती हूँ हाफ, यानी कि यहाँ पे मैं पुट करूँगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 रेज टू पावर n, इसको आप लिखेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 रेज टू पावर n। अब यहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट करिए, 1/2 रेज टू पावर इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/∞ और 1/∞ होता है 0, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या केस बना हमारा, अगर x लेस देन 1 है देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n आंसर देगा 0, अंडरस्टैंड, फॉर ऑल वैल्यूज विच आर लेस देन 1, x की वो सभी वैल्यूज जो 1 से लेस है, 0 और 1 के बीच में जो लाई कर रही है, 0 अगर x इक्वल टू 0 होगा तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 से लेस है तो इस पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, तो आंसर देगा 0। तो इसके लिए फंक्शन हमने सॉल्व कर लिया कि अगर x की वैल्यू 1 से लेस है तो इसको हम 0 लेके चलेंगे, आप यहाँ पे 0 पुट कीजिए, 0 एंड दिस ऑल्सो 0, तो लिमिट हमने सॉल्व कर लिया कि इसकी फंक्शन की वैल्यू आएगी e रेज टू पावर x, यहाँ पे 0 पुट करेंगे कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 इज़ अ 1, यानी कि ये मेरे पास आ गया e रेज टू पावर x, अंडरस्टैंड। इस लिमिट के लिए हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली e रेज टू पावर x। अब देखिए अगर मैं x को 1 ले लेती हूँ, आप यहाँ पे 1 पुट कीजिए, 1 एंड 1, 1 रेज टू पावर n इज अ 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा e रेज टू पावर x, इसको थोड़ा सा आपको अपॉन नीचे करना पड़ेगा, e रेज टू पावर x, इसको मैंने 1 रखा, माइनस साइन x डिवाइड में 1 प्लस 1 इज अ 2, ये आ जा रही है आई आपके पास वैल्यू 4x इक्वल टू 1 के लिए। अब हम निकालेंगे 4x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, मीन्स अब मुझे वैल्यू चाहिए जब x ग्रेटर देन 1 होगा। अगर x ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स यहाँ पे आप लेके चलेंगे, फंक्शन दे रखा है e रेज टू पावर x माइनस x की पावर n साइन x डिवाइड बाय 1 प्लस x रेज टू पावर n, और आपको लिमिट अप्लाई करनी है x टेंस n टेंस टू इन्फिनिटी, n को इन्फिनिटी पुट करना है। अब हमें ये पता है कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ठीक है, अगर 1 से ग्रेटर है तो जैसे हमारे पास 1 से लेस थी तो हमारे पास 1/2 रेज टू पावर n आ गया था और इसको हमने इन्फिनिटी रखा है, हमारा 0 आ गया था, यहाँ से ये वैल्यू देगा इन्फिनिटी। अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेते हो और आप लिमिट अप्लाई करते हो तो पूरा आंसर हमारा इन्फिनिटी आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं x की पावर n, क्योंकि यही फैक्टर इन्फिनिटी बना रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर, ये हमने कॉमन लिया, यहाँ से आ जाएगा e रेज टू पावर x डिवाइड बाय x की पावर n माइनस साइन x, क्लियर। हमने यहाँ से न्यूमरेटर से x रेज टू पावर n कॉमन ले दिया है, ऐसे ही आप डिनोमिनेटर से लीजिए, x की पावर n कॉमन लेंगे, दिस इज 1 बाय x की पावर n प्लस 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बाय x रेज टू पावर n कैंसिल। अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए, जैसे आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखते हैं ये बनेगा e रेज टू पावर x डिवाइड बाय इन्फिनिटी माइनस साइन x, क्योंकि इसके पास x है, जहाँ पे भी n होगा आपको सिर्फ वहीं पे पुट करना है, 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1, ये क्या आंसर देगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, कंप्लीट इज अ 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, ये आ जाएगा माइनस साइन x, क्लियर। तो जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन हमारा वैल्यू दे रहा है माइनस साइन x, ठीक है। तो अब हमने फंक्शन निकाल लिया x में, अब हम चेक कर सकते हैं कि एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। अब आपको कैसे करना है, लिमिट निकालेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कैसे की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अब हम इसको बाय डेफिनेशन नहीं लिमिट वाले फॉर्मूले से करेंगे, कैसे, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू a आना चाहिए, और ये लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होती है राइट हैंड लिमिट, तभी हमारी कंप्लीट लिमिट जो वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलिए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 पे चेक कर रहे हो फंक्शन f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन क्या लेके चलेंगे, 1 से लेस हमारा ये फंक्शन यानी e रेज टू पावर x, वैल्यू रखी हमने x इस
वन रखेंगे यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू पावर वन मीन्स ए आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ ओफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, वन प्लस के लिए यानी कि जहाँ पे एक्स वन से ग्रेटर होगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पे फंक्शन है हमारा माइनस साइन एक्स, यहाँ वन रखते हैं यहाँ पे आ जाएगा साइन वन। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है ए और राइट हैंड लिमिट की आ रही है माइनस साइन वन, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, या फिर आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन पे। तो हमारा फंक्शन जो है वो एक्स इक्वल टू वन पे कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि हमारी लिमिट इक्वल नहीं आ रही है। अगर लिमिट इक्वल आ जाती तो हमें चेक करना पड़ता है कि क्या एक्स इक्वल टू वन के लिए, आप एक्स की वैल्यू वन रखेंगे यहाँ पे, यानी कि एफ ऑफ ए निकालते हैं ना, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ वन, आप यहाँ पे वन रखेंगे ए माइनस साइन वन बाय टू, तो कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इस तरह से आपको प्रूव करना पड़ेगा इसको पहले, ये सारा का सारा इनकी वैल्यूज़ को यानी फंक्शन को सॉल्व करना है। एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपके पास, अगर एक्स लेस देन थ्री है तो वन आंसर वन फंक्शन है, एक्स थ्री और फाइव के बीच में ए एक्स प्लस बी एंड एक्स ग्रेटर देन फाइव इज सेवन। यहाँ पे आपको क्या करना है कि कॉन्स्टेंट ए एंड बी निकालने हैं जब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थ्री पे कॉन्टिन्यूटी अगर हम देखते हैं तो थ्री पे भी कॉन्टिन्यूस होगा एंड फाइव पे भी कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हमारा ब्रेक तो फाइव पे और थ्री पे हो रहा है ना, तो यहाँ से हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे कि एट एक्स इक्वल टू थ्री एज फंक्शन, आप लिखेंगे यहाँ से कि एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस दे रखा है एवरीवेयर एट एक्स इक्वल टू थ्री एंड फाइव, सो लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री होगा एंड लिमिट एक्स टेंस टू फाइव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ फाइव के इक्वल होगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एस एट एक्स इक्वल टू थ्री इक्वल, एंड ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएंगी फॉर एक्स इक्वल टू फाइव के लिए। ठीक है, तो यहाँ से निकालिए आप, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू थ्री पे, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या आंसर आ रहा है अभी यहाँ से, अगर हम एक्स जो तीन से लेस होगा, फंक्शन हमारा वन है, यहाँ पे आप पुट करेंगे एक्स टेंस टू थ्री माइनस इज अ वन, वन इज अ कॉन्स्टेंट, लिमिट आएगी वन। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस, थ्री प्लस पे फंक्शन कौन सा लेंगे हम, जहाँ पे एक्स थ्री से ग्रेटर होगा यानी कि ए एक्स प्लस बी, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस ए एक्स प्लस बी, और इसको थ्री प्लस को आप रखेंगे एस टेंस टू जीरो, एक्स को रखेंगे थ्री प्लस एच, तो यहाँ से हम डायरेक्ट थ्री पुट कर रहे हैं, थ्री ए प्लस बी आ जाएगा, यही आंसर आएगा सॉल्व करेंगे तो। अब हमें क्योंकि कॉन्टिन्यूस दे रखा है देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आप लिखेंगे गिवन है क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ से आ जाएगा वन इक्वल टू थ्री ए प्लस बी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमें और बी की वैल्यू चाहिए तो हम दो इक्वेशन बना लेंगे ए और बी की। अब हम निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू फाइव पे, फाइव पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू फाइव माइनस, फाइव पे चेक कर रहे हैं, फाइव माइनस जहाँ पे फंक्शन फाइव से लेस है ए एक्स प्लस बी, सॉल्व करेंगे इसको ये आ जाएगा फाइव ए प्लस बी। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू फाइव प्लस, एंड यहाँ से आएगा जब फाइव से ग्रेटर होगा फंक्शन है सेवन, ये आ जाएगा सेवन, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है इसलिए राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू है फाइव ए प्लस बी इक्वल टू राइट हैंड की आ जा रही सेवन। इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, थ्री ए प्लस बी इक्वल टू वन, माइनस कर लेते हैं कैंसिल, टू ए इक्वल टू सिक्स एंड ए की वैल्यू आ गई थ्री। ठीक है, अब आप ए की वैल्यू पुट करिए, बी की निकाल लीजिए, थ्री सी नाइन प्लस बी इक्वल टू वन एंड बी आ गया माइनस एट।
एफ ओफ एक्स दे रखा है आपके पास, ई रेज टू पावर वन बाई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन बाई एक्स एंड अपॉन में दिस टर्म इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो, और आपको एक्स इक्वल टू जीरो पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस जीरो पे चेक करना है। फंक्शन क्या है यहाँ पे, ई रेज टू पावर वन बाई एक्स माइनस ई रेज टू पावर वन माइनस वन बाई एक्स एंड वन बाई एक्स माइनस माइनस वन बाई एक्स। फिर हम एक्स को क्या रखते हैं, जीरो माइनस एच। एक्स अगर जीरो है तो एच भी जीरो को टेंड करेगा, दैट मीन्स दिस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, ये वैल्यू इक्वल आएगी ई रेज टू पावर वन अपॉन एक्स को रखेंगे जीरो माइनस एच, अंडरस्टैंड, मीन्स ये आ जाएगा माइनस एच वन अपॉन दिस एंड माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन माइनस एच प्लस हो जाएगा वन बाय एच डिवाइड बाय ई रेज टू पावर माइनस वन बाय एच एंड ये आ जाएगा यहाँ से, ये प्लस था ना, हाँ जी, ई रेज टू पावर वन बाय एच। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एच को जीरो रखना है। जैसे ही आप एच को जीरो रखते, पहले तो इसको पॉजिटिव बना लीजिए, लिमिट एस टेंस टू जीरो, इसको आप पॉजिटिव बनाएंगे तो वन अपॉन ई रेज टू पावर वन बाई एच में चेंज करेंगे इस टर्म को। ठीक है, माइनस ई रेज टू पावर वन बाई एच डिवाइड बाय, इसको भी पॉजिटिव बना लेते हैं, वन बाई एच प्लस ई रेज टू पावर वन बाई एच। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको अगर हम जीरो रखते हैं एच को, तो वन बाई जीरो इज इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और वन बाई इन्फिनिटी जीरो, ये टर्म तो जीरो आ जाएगी बट ये इन्फिनिटी आंसर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ई रेज टू पावर वन बाई एच कॉमन ले लेते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो ई रेज टू पावर वन बाई, न्यूमरेटर में से कॉमन निकालेंगे, देन यहाँ पे क्या बनेगा, वन अपॉन ई रेज टू पावर, एक तो हमने यहाँ से वन अपॉन में तो था ही, एक और हमने ई रेज टू पावर वन बाई एच कॉमन निकाल लिया, दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे टू बाई एच माइनस यहाँ पे वन रह जाएगा। ऐसे आप यहाँ से कॉमन निकालिए, डिवाइड बाय ई रेज टू पावर वन बाई एच, और यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी ये आएगा ई रेज टू पावर टू बाई एच प्लस वन, कैंसिल। अब आप एच को जो है जीरो पुट कर सकते हैं, टू बाई जीरो इन्फिनिटी, और ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, और वन बाई इन्फिनिटी जीरो, तो जैसे ही पुट करेंगे जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन आ जाएगा, आंसर इज माइनस वन। ऐसे ही आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड में क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस रखना है, मीन्स आपको यहाँ पे एक्स को जीरो प्लस एच रखना है, देन क्या आ जाएगा, एक्स टेंस टू जीरो, एच में चेंज कर रही हूँ मैं डायरेक्ट ही, ई रेज टू पावर वन बाई एच माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन बाई एच डिवाइड में ई रेज टू पावर वन बाई एच प्लस ई रेज टू पावर माइनस वन बाई एच। यहाँ से भी एज इट इज़ वही करना है, अब यहाँ पे आप इसको अपन में लेके जाएंगे, इसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगी, तो ये क्या बनेगा, ई रेज टू पावर वन बाई एच माइनस वन अपॉन ई रेज टू पावर वन बाई एच, और ऐसे यहाँ पे करेंगे आप प्लस वन अपॉन ई रेज टू पावर वन बाई एच। अब ये फैक्टर इन्फिनिटी बना रहा है तो हम ये वाला कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन लोगे तो वन माइनस ई रेज टू पावर ये इसके अपॉन में चला जाएगा, मीन्स यहाँ से मैं कॉमन लूँगी दिस वन माइनस वन अपॉन ई रेज टू पावर टू बाई एच, ऐसे ही मैं यहाँ से कॉमन लेती हूँ, यहाँ पे आएगा वन प्लस वन अपॉन ई रेज टू पावर टू बाई एच ज़ीरो। अब आप एच को जीरो पुट कीजिए, एच को जीरो पुट करेंगे, वन माइनस जीरो वन प्लस जीरो, आंसर आ जाएगा वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ रही है माइनस वन, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट आ रही है वन, दोनों नॉट इक्वल टू है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेकंड, इसको भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये भी ऐसे ही करना है, जीरो पे आप लेफ्ट और राइट लेके चलेंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं जीरो माइनस करके, फंक्शन दे रखा है दिस लिमिट एच टेंस टू जीरो टू रेज टू पावर, जीरो माइनस एच रखेंगे मीन्स माइनस वन बाई एच, क्योंकि एक्स को आपको रखना है जीरो माइनस एच। ठीक है, इसको आप लिखेंगे एच टेंस टू जीरो वन बाई टू रेज टू पावर वन बाई एच, अब आप एच को जीरो पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा जीरो, ये वन अपॉन एच है। ओके, एंड
राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस पे 2^1 x, एक्स को रखेंगे जीरो प्लस एच मीन्स एस टेंस टू ज़ीरो 2^1 h। अब यहाँ से क्या करें हम इसको, अगर आप यहाँ पे एच को जीरो रखते हैं मीन्स 1/0 2^∞ इज इन्फिनिटी। तो यहाँ से आ जाएगा कि एक तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है ज़ीरो विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, एंड राइट हैंड लिमिट आ रही है इन्फिनिटी यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो ये कौन सी काइंड थी, मिक्स्ड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये किस किस में होता है, फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी में, ठीक है। तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है फर्स्ट काइंड, एंड ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है मिक्स्ड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी में आ रही है, क्योंकि एक लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इन्फिनिटी आंसर दे रही है, और एक लिमिट के आंसर एफ ऑफ ए के इक्वल है। क्वेश्चन 7 देखिए, शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू पावर 1/x माइनस 1 इंटू ई रेस टू पावर एक्स प्लस 1 एट व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज डिसकॉन्टिन्यूट होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे। आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ओफ एक्स, एफ ओफ एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 0 माइनस ई रेज टू पावर 1/x माइनस 1 ई रेज टू पावर 1/x प्लस 1। यहाँ पे हमें क्या पुट करना होता है, x को 0 माइनस h, एज x टेंस टू 0 देयरफॉर h ऑल्सो टेंस टू 0। चेंज करिए यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0 और x को आप रखेंगे माइनस एच, 0 माइनस एच इज माइनस एच, माइनस 1/h माइनस 1, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 1/h प्लस 1। इसको आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 1e^1 h माइनस 1, और इसको भी पॉजिटिव बनाइए प्लस 1। अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए 1e^1 h यानी कि 1/0, और 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, माइनस 1 यानी कि e की पावर इन्फिनिटी आ गया यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे e^∞ प्लस 1, और e^∞ इज इन्फिनिटी और 1/∞0, माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 आंसर आ जाएगा माइनस 1, ठीक है। ऐसे आप राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस e^1 बाई एक्स माइनस 1 और e^1 बाई एक्स प्लस 1। एच टेंस टू 0 यहाँ पे आप क्या रखेंगे x को 0 प्लस h, एज x टेंस टू 0 देन h इज ऑल्सो टेंस टू 0, जैसे आप x की वैल्यू 0 रखेंगे h भी 0 को टेंड करेगा। लिमिट e^1 बाई एच माइनस 1 एंड 1/h प्लस, जैसे आप h को 0 रखेंगे आंसर देगा इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय e^-1/h, देन लिमिट एच टेंस टू 0, जैसे आप e^-1/h से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे e की पावर 0 1/h और -1/h ऐड करेंगे पावर और आ जाएगा e^0 विच इज़ 1 माइनस e^-1/h, इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, और इस फैक्टर की यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस e^-1/h। अब आप h को 0 रखिए, 1 माइनस e^1/0 ये है यहाँ पे 1/h, 1/0 रखेंगे e^-∞ 1 प्लस e^-∞, इसको हम लेके जाएंगे 1 माइनस e^, इसको पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं ऐसे यहाँ से 1/e^∞, और e^∞ इन्फिनिटी होता है मीन्स 1-1/∞ इंटू 1+1/∞, और 1/∞0, देन आंसर आ गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी माइनस 1 एंड राइट हैंड लिमिट 1, तो यहाँ से दोनों ही लिमिट इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन 8 देखिए, शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस ए हैज़ डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ सेकंड काइंड। आपको सेकंड काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है, तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस ए, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू किस पे चेक कर रहे हो ए पॉइंट पे, ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज 1/x माइनस ए, लिमिट
एच टेंस टू ज़ीरो, आप एक्स को रखेंगे ए माइनस एच, ठीक है, एक्स को रखिए यहाँ पे वन अपॉन ए माइनस एच, माइनस ए, ए से कैंसिल, दिस इज माइनस लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो वन बाय एच, और एच को जीरो रखते हैं ये आ जाएगा इन्फिनिटी लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वन अपॉन एक्स माइनस ए, इसको आप रखेंगे एच टेंस टू ज़ीरो वन अपॉन ज़ीरो प्लस एच, सॉरी ए प्लस एच, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे एक्स को यहाँ पे हम पुट करेंगे ए प्लस एच, एक्स टेंस टू ए प्लस था ना, और अगर एक्स ए को टेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ए पुट करेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस एच, ए से कैंसिल, देन एच ज़ीरो को टेंड करता है, इसलिए इस लिमिट को हमने ज़ीरो में कन्वर्ट कर लिया एक्स को ए प्लस एच पुट करके, माइनस ए कैंसिल, दिस इज लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो वन बाय एच, और वन बाय ज़ीरो क्या होता है इन्फिनिटी। यहाँ से देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इन्फिनिटी आ रही है, कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स हैज सेकेंड काइंड डिस्कंटिन्यूटी। सेकेंड काइंड में क्या होता है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाए, या फिर दोनों ही इन्फिनिटी आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन मीन्स आपको मैंने करवाया था फिफ्थ का सेकंड, शायद फिफ्थ का सेकंड था, इसमें हमारे पास आया था लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ओफ ए, दोनों ज़ीरो आए थे, और राइट हैंड लिमिट शायद इक्वल टू इन्फिनिटी आई थी, तो ये भी सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, तो अगर एक भी लिमिट इन्फिनिटी आती है तो वो सेकंड काइंड जो है डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाती है। आज हम यहाँ तक ही क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नाइन्थ आप कर सकते हैं, क्वेश्चन एट्थ के बिल्कुल एज इट इज़ आपको करना है, और इसके जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं ये मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ करवा दूँगा, यानी कल लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, तो आप इनको ट्राई कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।